वेलकम टू लव क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस। सो इसके लिए हमें कोई भी क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के अगर सॉल्व करने हैं तो उसके लिए मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप हमेशा क्वेश्चन को रीड करें स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन। जैसे रीड करते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग आप अपना डायग्राम बनाते रहें, या फिर जो डायग्राम में बनाने के लिए समझ में नहीं आ रहा उसको हम साथ साथ लिखते रहेंगे, ठीक है। सिंबॉलिक स्टेटमेंट, सिंबल्स के थ्रू हम उसको लिखते रहेंगे, फिर उसके साथ डायग्राम हम इजीली बना पाएंगे सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस के लिए। फर्स्टली अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और उसके साथ एक बेल है उसे क्लिक करने से सभी लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे आपकी ईमेल आईडी में। हम सबसे पहले समझते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है एग्जाम्पल्स के थ्रू। बेसिक एग्जाम्पल्स ले रही हूँ मैं कुछ। ये क्वेश्चन में अगर बोलता है कि सिक्स बॉयज आर सिटिंग इन अ सर्कल, छः बॉयज बैठे हैं सर्कल में, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या बनाना होगा, सर्कल ड्रॉ करना होगा। लेट्स ड्रॉ अ सर्कल, और इसमें कितने बॉयज हैं, सिक्स। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स बॉयज हैं, ठीक है। फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, इन सब का फेस किस साइड पे है, सेंटर पे। राजीव इज सिटिंग टू द राइट ऑफ मोहन, इट मीन्स जहाँ पे भी होगा राजीव। अब देखो मैं किस, ये देखो अगर ये फेस है, इसका फेस है सेंटर की तरफ, ठीक है। ये वाला जो पर्सन है इसका फेस कौन सी साइड पे होगा, सेंटर की तरफ। इसको मैं फेस बता रही हूँ। तो अगर मोहन के, इट मीन्स जो मोहन है, फॉर एग्जाम्पल हम अज्यूम करते हैं कि मोहन यहाँ पर है, मोहन का राइट कौन सी साइड पे होगा, इस साइड पे, ठीक है। तो राजीव मोहन के राइट पे बैठा है, तो हम इसको मार्क कर देंगे। मोहन यहाँ पर है तो राजीव यहाँ हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। अब थर्ड कहता है सुरेश इज बिटवीन बाबू एंड विजय। अब हम इसको समझते हैं कैसे लिखें। हमें नहीं पता सुरेश कहाँ हो सकता है, इनमें से कहीं पे भी हो सकता है, तो इसको हम सिंबॉलिकली लिख लेते हैं। सुरेश बैठा है कहाँ पर, बिटवीन बाबू एंड विजय। अब देखो सुरेश जो है बाबू और विजय के बीच में ऐसे भी हो सकता है, या फिर विजय और बाबू के बीच में भी हो सकता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, अजय इज सिटिंग लेफ्ट टू द विजय। अब ये कहता है अजय विजय के लेफ्ट में होगा, इसका मतलब कि जहाँ पे भी विजय है उसके लेफ्ट में अजय होगा। इट मीन्स हमारा ये वाला रॉन्ग हो गया, हम ये वाले को कंसिडर नहीं करेंगे। हमारा कौन सा हुआ, विजय के लेफ्ट में अजय हो सकता है। यहाँ इसके अकॉर्डिंग विजय के लेफ्ट में कौन है, सुरेश, ठीक है। तो हमने इसको कंसिडर नहीं किया, इट मीन्स हमें ये स्टेटमेंट समझ में आ गई। अब हम इसको सर्कुलर फॉर्म में लिख लेते हैं कि यहाँ पर सुरेश है वो जो कि मिडिल में है बाबू के और विजय के, और विजय के लेफ्ट में है अजय। अजय इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ विजय। अब हमें समझ में आ गया ये पूरा अरेंजमेंट। अगर क्वेश्चन में पूछता है हु इज सिटिंग लेफ्ट टू द मोहन, मोहन के लेफ्ट में, इट मीन्स मोहन के लेफ्ट में कौन बैठा है। अगर मोहन का फेस है सेंटर की तरफ, ये देखिए मोहन का फेस सेंटर की तरफ है, तो इसका लेफ्ट कहाँ होगा, यहाँ पर, और मोहन के लेफ्ट में है बाबू। आंसर पता चल गया हमें। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा ले लेते हैं। देखिए इसमें हमें गिवन है कि 11 स्टूडेंट्स बैठे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ठीक है, एक सिटिंग अरेंजमेंट में बैठे हैं जिनका फेस है टीचर की तरफ। हम मान लेते हैं टीचर यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पर 11 स्टूडेंट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, ये 11 स्टूडेंट्स हैं। इक्वेशन सेकंड कहती है कि डी इज जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ एफ, डी जो है वो एफ के लेफ्ट में है बिल्कुल, यानी कि एफ होगा तो उसके बिल्कुल लेफ्ट में डी है, ठीक है। एंड इज टू द राइट ऑफ सी एट सेकंड प्लेस, इट मीन्स जो सी है उसके राइट में है लेकिन सेकंड प्लेस पे। इसकी मीन्स क्या है, 1 2 सेकंड प्लेस पे, ये फर्स्ट प्लेस बीच में वेकेंट है अभी, खाली है, और ये सेकंड प्लेस है, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि सी के राइट में है, सी का राइट यहाँ पर होता है एट सेकंड प्लेस।
अब हम थर्ड इक्वेशन को समझते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ ई, इट मींस ए जो है ई के राइट में सेकंड है, फर्स्ट हमें नहीं पता और इसका सेकंड में है, ठीक है। ए ई के राइट की तरफ सेकंड पे है, तो हमें ये समझ में आ गया यहाँ पर एक ब्लैंक है। हु इज एट एंड, इट मींस ये ए उसके राइट में है जो कि सेकंड प्लेस पे, जो कि एक एंड पे है, यानी कि ई एक एंड पे है। अगर ई इस साइड के एंड पे हो तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि ई के बाद ए आ रहा है, इसका मतलब ए कौन से एंड में है, लेफ्ट हैंड साइड के। तो हमें इस में पता चल गया कि यहाँ पर एक ई है और एक स्पेस छोड़ के ए है। इतना क्लियर हो गया हमें क्वेश्चन से। अब हम चलते हैं फोर्थ की तरफ। J is nearest neighbor of A and B. It means A और B का nearest neighbor है, करीबी neighbor है J. तो ये ऐसे हो सकता है possibility. दूसरी possibility इसकी क्या हो सकती है, B, J, A. ठीक है, कैसे भी कर सकते हैं हम neighbors तो। And is left to G at third place. मतलब J जो है, J जी के लेफ्ट में होगा थर्ड प्लेस पे, दो वेकेंट है और इसके लेफ्ट में होना चाहिए जी, ठीक है। तो हम कौन सा वाला करेक्ट मानेंगे इनमें से, ये वाला। इट मीन्स हमें ये कैसे समझ में आ गया, इतना ए जे बी और जी में, अभी बीच वाला हमें नहीं पता। इतना अरेंजमेंट समझ में आ गया हमारा, यहाँ तक हम पहुँचे हैं। अब आते हैं फिफ्थ पे। अब फिफ्थ है, H इज नेक्स्ट टू D, H D के नेक्स्ट में है टू द राइट, जो कि राइट पे है, ठीक है। एंड इज अ थर्ड प्लेस फ्रॉम I, एंड इज द थर्ड प्लेस फ्रॉम राइट ऑफ I, इट मीन्स I जहाँ भी होगा उसके राइट पे थर्ड प्लेस पे है, वन टू और ये थर्ड प्लेस आ गई ये वाली। तो हमें ये वाली क्वेश्चंस भी समझ में आ गई, ठीक है। अब हमें इससे हमारा सिटिंग अरेंजमेंट चेकआउट करना है। अभी हमें क्या समझ में आया, अभी इनको अगर हम एनालाइज करें तो हमारी स्टेटमेंट क्या आ रही है, ई ए, ए के बाद जे है, फिर बी है, फिर जी है, ठीक है, और यहाँ पर एक स्पेस है और यहाँ पर बीच वाला भी हमें नहीं पता। अब देखो एक लास्ट वाला हमें पता चल गया है कि एफ D और बीच में स्पेस G है, हमें ये अरेंजमेंट मिल गया। ये हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये देखिए। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो H हमें नहीं पता अभी, और I भी नहीं पता, और K भी नहीं पता, तो इनको इनमें से कहाँ फिल करना है, ये देखो D के साथ है H, यानी कि H कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है। बाकी रिमेनिंग को हम देख रहे हैं, और दो डैश छोड़कर एक है आई, इट मीन्स यहाँ पर आई आ गया, तो बचा कौन सा, के, के यहाँ पर आ गया। अब हमें सिटिंग अरेंजमेंट पूरा मिल गया। अगर क्वेश्चन में पूछा है कि बताओ बिल्कुल मिडल में कौन है, जस्ट इन द मिडल कौन है, तो यहाँ से हम चेकआउट कर लेंगे मिडल में कौन है, आई, आई हमें मिल गया, आई इज इन मिडल। सो आंसर हमें मिल गया, तो ऐसे ये इजीली हम सॉल्व कर पाते हैं। पर ले लेते हैं एग्जांपल नंबर 3। इसमें पूछ रहा है कि एक तो शिवा है, सतीश, अमर और प्रवीण, ये चारों क्या कर रहे हैं, कार्ड्स खेल रहे हैं, ठीक है, ताश के पत्ते खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो हम इसका डायग्राम बना लेंगे, ये चार लोग हैं और ये कार्ड्स खेल रहे हैं। इसको सर्कुलर फॉर्म में भी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब क्वेश्चन में गिवन है कि अमर इज टू राइट ऑफ सतीश, हम कहीं पे भी अमर लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया अमर। अमर जो है सतीश के राइट पे है, तो कैसे होगा, सतीश का राइट कौन सा होगा, अमर, ये वाला, ठीक है। और फिर लिखा है हु इज द राइट ऑफ शिवा, मीन्स शिवा के राइट में कौन है, सतीश, तो यहाँ पे बचा कौन सा, प्रवीण। कि हु इज द राइट ऑफ अमर, अब अमर के राइट पे कौन होगा,
अमर की राइट पे होगा प्रवीण, तो हमारा आंसर मिल गया प्रवीण इज ऑन राइट ऑफ अमर। ठीक है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया। अब हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम्पल, जो मुझसे ऑलरेडी किसी स्टूडेंट ने पूछा भी है, तो देखते हैं। पी क्यू आर खड़े हैं क्यू में, एक क्यू में खड़े हैं पी क्यू आर। ठीक है, देयर आर सिक्स पर्सन। अब हम इसको समझते हैं कैसे कैसे इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहाँ पर छः लोग हैं पी और क्यू के बीच में। हम साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डायग्राम हम दोबारा से बना लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो यहाँ पर पी और क्यू के बीच में कितने लोग हैं, छः, सिक्स पर्सन है, 1 2 3 4 5 6, सिक्स है पी और क्यू के बीच में, इतना समझ में आ गया हमें। एंड 10 persons between Q and R, और Q and R के बीच में कितने लोग हैं, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लोग हैं Q और R के बीच में। If there are 3 persons ahead of R, it means अगर R के आगे कितने लोग होंगे, 3, 1 2 3, and 22 behind P, और लास्ट लाइन के अकॉर्डिंग पी के बाद कितने लोग होंगे, 22, 1 2 3 करके ये कितने होंगे, 22 लोग होंगे पी के पीछे। ठीक है, देन व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्संस इन क्यू। अब एक क्यू में मिनिमम कितने लोग होने चाहिए, अब हम समझते हैं इसको कि ये आर है, आर के आगे है 3 लोग, 1 2 3। ठीक है, R के आगे 3 लोग हैं, और Q और R के बीच में कितने लोग हैं, इसको हम अलग समझ लेते हैं। Q और R और Q के बीच में कितने लोग हैं, 10। अब देखिए, R के आगे तो Q नहीं हो सकता, क्योंकि R के आगे कितने हैं, 3। ठीक है, तो R के पीछे ही Q होगा, R के पीछे है Q, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, R के पीछे Q है और इसके बीच में 10 लोग हैं, इसका समझ में आ गया हमें। अब देखो, P और Q के बीच में है 6 लोग, इट मीन्स अब देखो P और Q के बीच में कितने हैं, 6 लोग, 6 लोग हैं P और Q के बीच में, और P हमें पता चल गया कि लास्ट में तो है नहीं, क्योंकि P के पीछे भी 22 लोग हैं, इट मीन्स Q के बाद 6 लोग, Q से पहले P है, 1 2 3 4 5 6, 6 लोगों के P और Q के बीच में 6 लोग हैं, इट मीन्स यहाँ पर है P। ठीक है, हमें क्या समझ में आया, P कहाँ है, यहाँ पर। और अब P के नीचे कितने हैं, 22 लोग और हैं, इसका मतलब मैं इसको बहुत डिटेल में समझा रही हूँ कि देखो P के पीछे कितने हैं, अब 22, 22 लोग हैं, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, समझ में आ गया। अब उसने पूछा एक लाइन में, एक क्यू में कम से कम कितने लोग होंगे, अब हम इन सबको टोटल करते हैं। ये देखिए, अब मैं टोटल कर रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 लोग हैं मिनिमम इस क्यू में। ठीक है, आंसर पता चल गया। होपफुली आपको आज मेरे टोटल 4 एग्जांपल्स के थ्रू सिटिंग अरेंजमेंट, सिंपल सिटिंग अरेंजमेंट समझ में आ गए होंगे। अगर आपको और सिटिंग अरेंजमेंट समझने हैं तो इस संडे मैं समझाऊंगी और कॉम्प्लिकेटेड सिटिंग अरेंजमेंट्स को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो नव क्लासेस देखते रहें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया, ताकि आपको सभी लेक्चर रेगुलर बेस पर मिलते रहें। और आप मेरा फेसबुक पेज नव क्लासेस भी लाइक कर सकते हैं, कुछ भी पूछना है पूछिए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।